discuss why in chemical industry separation is necessary. सेपरेशन क्यों जरूरी हो जाती है किसी भी केमिकल प्लांट पे, किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी फूड इंडस्ट्री में, किसी भी प्रोसेस इंडस्ट्री में हम सेपरेशन क्यों करते हैं, रिएक्टेंट्स की सेपरेशन क्यों करते हैं, प्रोडक्ट्स की सेपरेशन क्यों करते हैं, या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, फीड और प्रोडक्ट दोनों की सेपरेशन क्यों करते हैं। आइए देखते हैं कि इसको किस तरह आप कंप्लीट करते हैं। अब सेपरेशन की जरूरत पड़ती क्यों है? अब अगर सिंपल सी बात करें तो कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी कस्टमर है, कोई भी परचेजर है, वो कहता है कि मुझे प्योर चीज मिले, मुझे बिल्कुल ही प्योर, उसमें मिलावट ना हो, उसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो। तो सेपरेशन हम इसलिए करते हैं ताकि हम एक प्योर 100% क्वालिटी वाला प्रोडक्ट ले सके, रिलेटिवली प्योर केमिकल चीज हम उससे ले सके। एक और जरूरत यह है कि क्योंकि इस सेपरेशन जो है हमारी जब भी प्रोडक्शन होते तो उससे कोई ना कोई प्रोसेस यूनिट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके साथ इंटरलिंक होते हैं। तो सेपरेशन के लिए जो हमारे सेपरेट यूनिट्स होते हैं, तो सेपरेशन इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि हम जरा चेक करें कि आया जो प्रोडक्शन वाले जो जितने भी यूनिट्स प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो जितने भी यूनिट्स क्लोजली इंटीग्रेटेड हैं एक दूसरे के साथ प्रोसेस फ्लो प्रोसेस में, प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो उनकी इंपॉर्टेंस क्या है डिजायर्ड प्रोडक्ट को जो है। अगर हम किसी और सेपरेशन यूनिट से डिजायर प्रोडक्ट लेना चाहें तो उसको किस तरह हम ऑब्टेन करेंगे, फीड से किस तरह डिजायर प्रोडक्ट लेंगे, तो प्रोडक्ट से किस तरह हम डिजायर प्रोडक्ट लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेपरेशन की जरूरत पड़ती क्यों है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे रॉ मटेरियल आया सेपरेशन यूनिट्स में, उसके बाद फिर हमने प्रोसेस को फिक्स कर दिया कि हमने रिएक्शन करवाना है या जो भी प्रोसेस करवाना है, उसके बाद हमने ऑपरेशन यूनिट ऑपरेशन लगा दिए सेपरेशन के लिए। सेपरेशन के यूनिट ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें वेरिएबल प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जब वेरिएबल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे तो उससे हम अपना एक डिजायर्ड प्रोडक्ट्स ले लेंगे जो हमें चाहिए होगा। बस डिफरेंट स्मॉल यूनिट्स जो है ना वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्स होते हैं जो कि जो सेपरेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन इस तमाम प्रोसेस का पर्पज ये है, मकसद ये है कि आपको जो फिनिश प्रोडक्ट मिले जो वो डिजायर्ड क्वालिटी का हो, डिजायर्ड उसमें डिजायर्ड कंपोनेंट्स हो, वो स्टेबल हो, उसको हम आगे फर्दर यूज कर सकें, जो भी कस्टमर जो है ना उस प्रोडक्ट को देखे तो उसको ब्रांड को वो रिमाइंड करे कि हाँ ये वाकई प्योर प्रोडक्ट है, ये डिजायर्ड प्रोडक्ट है और इसको मुझे लेना चाहिए। अब डिफरेंट सेपरेशन के यूनिट्स होते हैं, कुछ केसेस में हम उसको हीट करके सब प्रोडक्ट डिजायर्ड प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, कुछ केसेस में हम उसकी स्क्रीनिंग कर लेते हैं, कुछ केसेस में हम उसकी फिल्ट्रेशन कर लेते हैं, कुछ केसेस में हम उसकी, जैसे ये कॉमन एग्जाम्पल है, ओल्ड टाइम्स में फ्रिजेस में जो है वो मिल्क से जो है वो बटर जो है ना वो भी एक सेपरेशन प्रोसेस के जरिए उसको लिया जाता था। अभी ये जो हम फ्लोर की बात करें, फ्लोर से अगर फ्लोर में कोई पार्टिकल्स आ जाते हैं, किसी राइस के पार्टिकल्स आ जाते हैं, उनको भी हम सिंपली सेपरेशन के जरिए निकाल सकते हैं। या जो आप चाय को जो है आप जो है जब भी आप पीना चाहते हैं तो उसको पहले एक स्क्रीनिंग से पास करवा लेते हैं ताकि आप उसमें से प्योर मिल्क हो या चाय हो बॉइलिंग के बाद वो आप हासिल कर सकते हैं। आप सेपरेशन की जरूरत पड़ी क्यों है, सेपरेशन हम क्यों करते हैं, इसकी रीजन क्या है? तो पहली रीजन ये है कि हमें प्योर प्रोडक्ट, प्योर मटेरियल चाहिए जितनी भी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस है उसमें। दूसरी बात ये है कि हमें रॉ मटेरियल जो है ना वो हमने प्रिपेयर करना होता है, तो रॉ मटेरियल जितना प्योर होगा उतनी ही आपकी जो है रिएक्शन अच्छे होंगे, आपकी जो है कन्वर्जन अच्छी होगी, यील्ड अच्छी होगी। अब इस तरह मटेरियल प्रोसेसिंग के लिए प्योर मटेरियल होगा तो उसकी प्रोसेसिंग में हमें जितनी भी कास्ट पड़ेगी उसका हमें फायदा भी होगा। अगर आप इम्प्योर मटेरियल यूज करना शुरू कर देंगे तो उससे फायदा कोई नहीं होना। टॉक्सिक्स या रीजंस वगैरह इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हम सॉल्यूशन में से निकालना चाहते होते हैं तो उसके लिए हम सेपरेशन करते हैं। जो है अल्ट्रा प्योर सैंपल्स टेस्टिंग हम करना चाहते हैं, हम किसी भी सैंपल को हम टेस्ट करना चाहते हैं कि उसमें कौन कौन सी करेक्टराइजेशन टेक्निक्स हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि फाइन पार्टिकल्स क्या क्या हैं। इसके अलावा हम चेक करते हैं कि एनालिसिस क्या है हमारे पास जो है मिक्सर का, कि उसमें क्या क्या है पार्टिकल्स।